हेलो फ्रेंड्स, कोविड की वजह से मोबाइल पढ़ाई का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन बहुत से बच्चे पढ़ाई की आड़ में मोबाइल पर ऐसे वैसे गेम भी बहुत खेलते रहते हैं जिनमें सिर्फ टाइम वेस्टेज है और आउटपुट कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा यह मानना है, यदि आपको गेम खेलनी ही है तो क्यों ना ऐसे गेम खेले जाएँ जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएँ व हमारे दिमाग को तेज करें। दोस्तों, हमारा माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसको ट्रेन करते रहोगे तो वह ग्रो करता रहेगा। कहते हैं ना कि सब दिमाग का खेल है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे मोबाइल गेम्स बताने वाला हूं जिनसे आपकी ब्रेन पावर, आपकी मेमोरी और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फर्स्ट गेम है ब्रेन डॉट्स 2। यह गेम आपकी ब्रेन पावर व आपके सोचने समझने के तरीके को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। इस गेम में एक ब्लू बॉल होती है और एक रेड बॉल होती है जिनको हमें मिलाना होता है। इसके लिए हमें कोई शेप ड्रा करनी होती है। यह शेप किस तरह की ड्रा करें ताकि ये दोनों बॉल मिल जाए, यही हमें सोचना होता है। जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता है, आपको बहुत ही फोकस व कंसंट्रेशन लगाने की ज़रूरत होगी। इससे आपकी मेमोरी पावर व आपकी ब्रेन पावर बहुत ही इम्प्रूव होती है और आपके सोचने समझने की शक्ति तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जिसको आप अपनी पढ़ाई के दौरान भी यूज कर सकेंगे। इस गेम को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखें। सेकंड गेम है मैथ्स गेम्स मैथ रिडल्स। इस गेम में मैथ के अलग अलग तरह के पजल होते हैं जिससे आपकी मैथ में स्पीड व एक्यूरेसी बढ़ती है और आपके ब्रेन के अलग अलग एरियाज इम्प्रूव होते हैं। ये मैथ गेम्स आपकी अलग अलग स्किल को बढ़ाते हैं, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं व आपके रिफ्लेक्सेस यानी कि आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो उसको भी इम्प्रूव करते हैं। आपकी स्पीड व कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं। हर गेम को खेलने में आपको बहुत ही मजा आएगा, तो ये भी बहुत ही बेस्ट गेम है। नेक्स्ट गेम है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गेम है, ब्रेन इटोन फिजिक्स पजल। यह गेम आपकी ब्रेन पावर को बहुत ही एनहेंस करता है, आपकी एनालिटिकल स्किल को इम्प्रूव करता है। इसमें फिजिक्स के पजल सोल्व करने होते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट तभी इसे खेलें, इसे कोई भी खेल सकता है। इसमें बहुत से लेवल होते हैं और लेवल दर लेवल डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, जिनको खेलने में बहुत ही मजा आता है। साथ में आपकी सोचने समझने की पावर बढ़ती जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा गेम है, एक बार जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट गेम है अनब्लॉक मी। इस गेम से आपकी कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। इस गेम में ब्लॉक्स को सफल करके रेड ब्लॉक के लिए रास्ता क्लियर करना होता है व दिए गए एक होल में डालना होता है। गेम देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन लेवल दर लेवल डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। यह गेम आपकी ब्रेन पावर को इम्प्रूव करेगा। अब जो गेम मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपकी रीजनिंग पावर, एनालिटिकल स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। यह गेम है यू मस्ट एस्केप। इस गेम में हमें एक रूम से बाहर निकलना होता है, जिसके लिए कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना होता है जिससे कि हमें की मिल सके और हम रूम से बाहर आ सकें। यह गेम आपके माइंड को चैलेंज करता है, एक सिचुएशन के ऊपर कितनी तरह से आप सोच सकते हैं और डिसीजन कैसे अप्लाई करना है इस गेम से आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने माइंड को बूस्ट करना है तो यह सभी गेम बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन मैं यह गेम इसलिए बता रहा हूँ कि यदि खेलनी ही है तो ये गेम खेल सकते हो, लेकिन जब खेलो टाइम लिमिट लगाकर खेलो, या पढ़ाई के दौरान ब्रेक में खुद को रिफ्रेश करने के लिए और पढ़ाई में फोकस व कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए खेल सकते हो। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।